जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा बल चौकन्ने हैं और बीएसएफ जवानों ने घुसपैठ रोकने के लिए कैसे चक्रव्यूह बनाया है दिखाते हैं आपको। जम्मू के सांबा, कठुआ और पंजाब से सटे हुए पठानकोट और गुरदासपुर बॉर्डर पर अब बीएसएफ ने दो एडिशनल बटालियन जो है उन्हें डिप्लॉय कर दिया है। करीब 2000 जवानों को बॉर्डर पर यहां पर डिप्लॉय किया गया है और ये जो जवान होंगे, ये जो सुरक्षा का घेरा बॉर्डर पर यहां पर दूसरी लेयर का बनाया गया है, वहां पर ये जवान तैनात रहेंगे और लगातार जो वल्नरेबल पैचेस हैं और जो घुसपैठ के एरियाज हैं वहाँ पर अपनी नज़र जो है वो यहाँ पर बना के रखेंगे। ये जो दोनों बटालियन हैं इनको हाल ही में जो उड़ीसा है वहाँ से बुलाया गया है। ये एंटी नक्सल ऑपरेशन जो उड़ीसा में चल रहे थे उसमें ये बटालियन जो हैं वो लगी हुई थी, लेकिन अब इन्हें पूरी तरह से जो जम्मू का बॉर्डर है यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। अगर हम बात करें कठुआ, सांबा और साथ ही साथ पंजाब से सटे हुए बॉर्डर की, तो सुरक्षा एजेंसियों के पास लगातार इस तरह के इनपुट हैं कि बॉर्डर पार जो है वो लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकी हैं वो बड़ी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं और उन्होंने कई लॉन्च पैड जो हैं वो बॉर्डर पर यहां पर बनाए हुए हैं। अगर हम बात करें एलओसी के एरियाज की, तो अब वहां पर बर्फबारी पड़ना जो है वो शुरू हो गई है। ऐसे में वहां से किसी भी तरह की घुसपैठ करना जो है वो अब आतंकियों के लिए मुश्किल है और आतंकी जो हैं वो अब जो इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू का पड़ता है वहां पर घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम बात करें इनपुट्स की, तो इस तरह के इनपुट पहले से सुरक्षा एजेंसियों के पास हैं कि बॉर्डर पार से जो आतंकी हैं वो टनल के ज़रिए या फिर जो यहाँ पर अलग अलग एरिया हैं वहाँ से घुसपैठ जो है वो कर सकते हैं और किसी बड़े हमले को यहाँ पर अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में इसी को देखते हुए अब ये जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर किया गया है। इससे पहले जब विदेशी आतंकियों की घुसपैठ की खबर यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों को मिली थी, उसके बाद से ही जितना भी बॉर्डर यहाँ पर जम्मू, कठुआ और सांबा का पंजाब के साथ भी जो लगता है उस पर यहाँ पर रीडिप्लॉयमेंट किया गया था, लेकिन अब जिस तरीके से मौसम में बदलाव आया है और साथ ही साथ अब धुंध जो है वो देखने को मिल रही है और एलओसी के जो जितने भी पासिस हैं वो बंद हो चुके हैं, ऐसे में अब जो आतंकी संगठन है वो जम्मू के बॉर्डर से यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। यही कारण है कि बीएसएफ जो है वो उसने अब यहाँ पर दो एडिशनल बटालियंस जो हैं उनको बॉर्डर पर तैनात कर दिया है और कोशिश यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों की और बीएसएफ की यही है कि पाकिस्तान की तरफ अगर किसी भी तरह की साजिश रची भी जाती है तो उसे नाकाम कर दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।